श्री माता वैष्णो जी भवन से आप सभी को जय माता दी। शारदीय नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। माँ भगवती का सभ्य आशीर्वाद सदा बना रहे। जल्दी आप सभी लाइव जुड़ जाएं। इस समय हम NH1 न्यूज़ के माध्यम से लाइव हैं माँ के दरबार से। इस समय माँ के दरबार का नज़ारा देख सकते हैं आप, जो कि देखने को बनता है। इस समय देख सकते हैं देशों विदेशों से फूलों से माँ के दरबार को सजाया गया है, जो कि देखने को बनता है। और बिल्कुल इस समय हम माता रानी के भवन से लाइव हैं। आप सभी लाइव जल्दी जुड़ जाएं और जल्दी आप सभी आज नवरात्रों के उपलक्ष पर ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जय माता दी लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ यहाँ की जो भी डेकोरेशन हुई है वो आपको तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और दिखा रहे हैं आज इस समय हम लाइव NH1 न्यूज़ के माध्यम से। और देख सकते हैं आप इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार पर पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं आप लंबी लंबी श्रद्धालुओं की कतारें इस समय लगी हुई हैं, जो कि माता रानी के दर्शन के लिए। और देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है माँ का दरबार। प्यारा सजा है माँ तेरा दरबार। तो देख सकते हैं आप भी, देखने के बाद यहाँ पे मन हो जाता है। जो भी श्रद्धालु इस समय माँ के दरबार पर पहुँच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस समय देख सकते हैं आप लंबी लंबी श्रद्धालुओं की कतारें इस समय देखने को मिलेगी आपको। भारी संख्या में श्रद्धालु इस समय माँ के दरबार पर पहुँच रहे हैं और इस बार यहाँ पे थोड़ी सी आपको डेकोरेशन में चेंजिंग ज़रूर मिलेगी। इस समय जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये दरबार देख रहे हैं, इसे सिक्कू से बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल। मैं आगे जाने के बाद आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो इस बार का दरबार सजाया गया है वो इन सिक्कू से सजाया गया है। इस समय देख सकते हैं आप पूरा दरबार जो भी सजाया गया है इस सिक्कों से, देख सकते हैं आप ये इस बार की थोड़ी सी चेंजिंग देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए कुछ और भी श्रद्धालु से यहाँ पे बातचीत करते हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अक्षय पाटिल। कहाँ से आए? रायगढ़ पनवेल। तो आज पहला नवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज माता रानी के दर्शन के लिए आए, कैसा लग रहा है और क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं और इतना अच्छा लग रहा है, इधर माहौल इतना अच्छा है कि क्या बात। माता जी के आशीर्वाद है हमारे पे और तुम्हारे पे रहे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। उनका भी कहना है कि जो भी श्रद्धालु इस समय माँ के दरबार पर पहुँच रहे हैं और सबका मन मोहित हो जाता है। जय माता दी सर। जय माता दी। कैसी लग रही है डेकोरेशन? बहुत अच्छी। क्या कहना चाहोगे? मतलब ये डेकोरेशन देख के दिल एकदम खुश हो गया है जी, जैसे स्वर्ग में आया है। बिल्कुल। चलो इधर। जय माता दी। चलो ये भाई ये नहीं बनाना है सर, मीडिया से हो तो क्या हो गया। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी रीजन जरूर है। चलिए आगे चलते हैं और फिर आपको यहाँ से दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे जो भी डेकोरेशन है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस एक अलग ही अनुभव रहता है। चलिए सर इनसे बात करते हैं। जय माता दी सर। जय माता जी। क्या नाम है सर? सुरेश प्रजापति। कहाँ से आए? पूना से। आज पहले नवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज आप माँ के दरबार पर आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हर साल आते हैं हम, हर साल हमारा ग्रुप है, पूना से आते हैं। पूना से आते हैं जी। कितने लोग? 8 लोग आए हम जी। जी धन्यवाद। यात्रा मंगलमय। थैंक यू। जय माता दी। देख सकते हैं सामने हम भारी संख्या में श्रद्धालु माँ के दरबार पर पहुँच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप भी ज़रूर माँ के दरबार पर आएँ, क्योंकि इस समय देख सकते हैं आप जो कि देश विदेश से फूलों से माँ का दरबार सजाया जाता है वो देखने को बनता है। तो ये सजावट जो माँ के दरबार पर की जाती है वो स्वर्ग से कम नहीं होती है। बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं मन मोहित हो जाता है। चलिए आगे भी चलते हैं और आपको कुछ और यहाँ के व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समय आप देख पा रहे हैं वीडियो को
शेयर ज़रूर करिएगा और आप ये ज़रूर बताएं कि आप कब माँ के दरबार आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर आप ज़रूर माँ के दरबार पर आएँ। हम NH1 न्यूज़ के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जो माँ के दरबार का नज़ारा रहता है इन पावन नवरात्रों का, वो देखने को बनता है। भारी संख्या में इस समय श्रद्धालु माँ के दरबार पर पहुँच रहे हैं। ये ज़रूर बताएं कि आप हमारा ये लाइव कहां से देख रहे हैं। इस समय आप भाग्यशाली हैं जो कि लाइव माँ के दरबार से ये माँ का नज़ारा देख रहे हैं। ये देख सकते हैं जो कि फूलों की सजावट देखने को बनती है। कॉपीराइट इशू आ सकता है हमें, इसलिए हम थोड़ा सा म्यूट करना चाहेंगे। लाइव वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक बार आप माँ का भवन देखिएगा। इस समय माँ का दरबार देख सकते हैं आप। रात्रि की बात की जाए तो लगभग रंग बिरंगी लाइटों से माँ के दरबार को सजाया जाता है और देखने को बनता है। तो चलिए इस समय में माता वैष्णो देवी भवन से लाइव हूँ, आप सबको नवरात्रों के उपलक्ष्य पर माँ के दरबार का नज़ारा दिखा रहा हूँ और माता रानी के प्यारे भवन को जो सजाया गया है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे भजन चल रहे हैं, इसका हमें कॉपीराइट आ सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम अपनी पूरी कवरेज के माध्यम से आपको पूरे यहाँ की जो भी जानकारियाँ रहने वाली हैं और जो भी CEO श्राइन बोर्ड ने प्रेस वार्ता की है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसके बारे में जो भी उन्होंने कहा है वो भी ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद आप सभी को। जय माता दी। लाइव वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो जय माता दी मैम। जय माता दी। क्या नाम है मैम आपका? योजना जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब ऐसा लग रहा है सबको घर कैसे लेके जाऊं समेट के, इतना सुंदर है। मैंने वीडियो कॉल करके सबको दिखा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आप आए, फर्स्ट बार आए? मैं नवरात्रि में पहली बार आई हूँ, वैसे सेवेंथ बार आ रही हूँ, बहुत बार आई। कैसा लग रहा है जो डेकोरेशन देख के, क्या कहना चाहूँगी? डेकोरेशन देख के ये कहना चाहूंगी कि सच में यहाँ स्वर्ग, एक्चुअली स्वर्ग कहीं है तो वो यही है। लोग जो सोचते हैं ना कभी स्वर्ग जाएंगे, माता जी के यहाँ आ जाओ, यहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। धन्यवाद। जय माता। जय माता। देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके नगी सबका मन मोहित हो जाता है। चलिए मुझे दीजिए अनुमति आप सभी को। जय माता दी। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जरूर हम अपनी दूसरी कवरेज में जरूर यहाँ की जो भी पुख्ता जानकारियाँ वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जय माता दी।